कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भक्त लोग। ये जो मेरे हाथ में देख सकते हैं ये चुनरी है, चुनरी देवी माँ का चुनरी है। हर इंसान के मन में होता है कि वो हर लॉटरी को जीते, हर जुआ को जीते, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, ताश हो या किसी भी प्रकार का जुआ हो, लॉटरी हो, सट्टा हो, किसी भी प्रकार का। हर खेलने वाले के मन में होता है कि हम जीते, बस हमारी ही जीत हो, हमेशा हम ही जीते। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे हम क्या बता रहे हैं। और ऐसे आप कर देते हैं तो मैं दावा करता हूं कि हर बार आप ही जीतिएगा, आप ही का जीत होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का जुआ हो, ताश हो, सट्टा हो, किसी भी प्रकार का लॉटरी हो। बस आपको सही समय सही तरीका से इस टोटका को करना है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां भी दिक्कत लगे नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि नीचे कमेंट वाले नंबर पे किसी के पास कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग ठगने वाले हैं। तो आइए बतलाते हैं। सबसे पहले आपको एक लाल चुनरी लेना है, ठीक है ना, लाल चुनरी लेना है आपको। सबसे पहले छोटी हो या बड़ा हो उसे कोई मतलब नहीं, लाल चुनरी आपको ले लेना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, शनिवार के दिन ये टोटका करना है। लाल चुनरी ले लेना है, ठीक है ना। लाल चुनरी लेने के बाद में शनिवार के दिन स्नान करके सुबह आपको लड्डू ले लेना है, जितने मर्जी आपको लड्डू ले लेना है। लाल चंदन ले लेना है, दो लवंग ले लेना है, एक ओढ़ौल का फूल ले लेना है, एक ओढ़ौल का फूल जरूर लेना है आपको। देखिएगा मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आपको कर देना। मैं दावा करता हूं कि आप ही जीतिएगा बार बार, चाहे वो किसी भी प्रकार का लॉटरी हो, जुआ, ताश से कोई भी सट्टा हो, आप हमेशा जीतिएगा। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। प्लीज शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों का भला हो जाए, ताकि वो बस हमेशा जीतते रहे, ठीक है। आपको इतना सामग्री ले लेने के बाद में दुर्गा माँ के मंदिर में चले जाना है, दुर्गा माँ के मंदिर में चले जाना है। स्नान करके आपको क्या करना है, वहां पे जाना है, 5 अगरबत्ती जलाना है। और सबसे पहले क्या करेंगे, चुनरी को इस प्रकार से सामने अपने हथेली में रख लेंगे, बाएं हथेली में रख लेंगे, और जो प्रसाद है प्रसाद रखेंगे यहाँ पे, ओढ़ौल का फूल रखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 5 अगरबत्ती जला देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, दो लवंग जो हम बताए थे, दो लवंग को इसी पे रख लेना है। और इसको क्या करना है, इस प्रकार से मोड़ देना है, इस प्रकार से मोड़ देना है, और देवी माँ के सामने आगे बैठ जाना है। और क्या करना, प्रसाद को उठा करके चरणों में रखना है, 5 अगरबत्ती जला देना है, आगे दिखा करके आगे रख देना है, और दो लवंग है इसको इसी पे रहने देना है, और क्या करना है, कुछ प्रसाद इसी पे रहने देना है। उसके बाद में अरहुल का जो फूल है माँ के चरणों में रख देंगे, और एक आप अपनी आंखें मन बंद करके अपने दिल से अपने मन से कहेंगे कि हे माँ, मैं हमेशा इस लॉटरी में, इस सट्टा में जितना चाहता हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो मैं आपको यह चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा। उसके बाद में आप क्या कीजिए कि पूजा रचना करने के बाद में उस अरहुल के फूल को क्या करना है, अपने इस लाल जो यहाँ पे चुनरी है इस पे रख लेना है, और क्या करना है, दोनों लवंग यहीं पे हैं, क्या करना है, इसको मोड़ लेना है इस प्रकार से। क्या करना है, आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे तकिए के नीचे इसको रख लेना है, और अगले दिन क्या करना है, इसमें से अरहुल का फूल और दोनों लवंग को निकाल लेना है और अपने पास में रख लेना है, और जो लाल चुनरी है इसको देवी माँ के चरणों में ले जाकर चढ़ा देना है। और क्या करना है कि उस दोनों लवंग और उस अरहुल को जब भी जहां भी जाए, जुआ खेलने, ताश खेलने, सट्टा खेलने, वहां पे आप उसको लेकर जाए, ठीक है ना, अपने पास में अपने पॉकेट में रखे। मैं दावा करता हूं कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, आप जरूर जीतिएगा, हमेशा आप ही जीतिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को बतलाया है और बहुत सारे लोग जीतते हैं, बहुत खुशी मिलती है हमें कि मेरे पास कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि गुरु जी मेरा काम हो रहा है, कि हम जीत रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है। इसलिए आप सोच समझ कर इसका प्रयोग कीजिएगा, सच्चे सही तरीके से कीजिएगा, तो आपका ये फायदा बहुत ज्यादा करेगा। धन्यवाद।